हाय फ्रेंड्स, दिस इज लकी इंडिया हॉर्स रेसिंग टिप्स। दोस्तों, हैदराबाद की रेस है कल और लास्ट टाइम मैंने बेंगलोर की टिप दी थी। कुछ अच्छी खासी पास हुई है, ठीक ठाक ही टप पास हुई, कोई अच्छी खासी तो नहीं हुई, फिर भी कुछ अच्छे अच्छे घोड़े बैटिंग लाइन में आ गए थे। और फोर्थ रेस में मैंने 7 नंबर ईच वे बोला था, वो तो 117 रुपये में विन ही मार दिया। और मैसूर की टिप मैंने डाली नहीं, क्योंकि कार्ड आया, स्टडी की और उसके बाद में देखा तो रेस कैंसिल हो गई, तो इसकी वजह से मैंने रेस टिप डाली नहीं। डाल के भी क्या फ़ायदा। तो आते हैं अब दोस्तों हैदराबाद की रेस पे। हैदराबाद की रेस पहली रेस रखी है 1100 मीटर और 1255 को रखी है, और 18-18 घोड़े भाग रहे हैं दो तीन रेस में, तो मेरे को स्टडी करने में बहुत टाइम हो गया, 4-5 घंटे हो गए। आते दोस्तों फर्स्ट रेस में दोस्तों मेरी बैटिंग लाइन में आ रहे 4 नंबर, 6 नंबर और 14 नंबर। 4 नंबर ये संदेश बैठा हुआ है और ट्रैक वर्क भी थोड़ा अच्छा खासा दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से ये ईच वे, इसको आप ईच वे करिए, बोर्ड में रहना चाहिए ये। और 6 नंबर और 14 नंबर को प्लेस कीजिए, ठीक है दोस्तों। आते हैं सेकेंड रेस पे। दोस्तों सेकेंड रेस में मेरे बैटिंग लाइन में आ रहे दोस्तों 5 नंबर और 10 नंबर। 5 नंबर सितारा अक्षय कुमार बैठा हुआ है और 10 नंबर सोल इम्प्रेस परवीन गदम बैठा हुआ है, तो 5 नंबर को आप ईच वे कीजिए और 10 नंबर को प्लेस कीजिए, ठीक है दोस्तों। आते हैं थर्ड रेस पे। थर्ड रेस दोस्तों 1400 मीटर की रेस है ये भी, तो इसमें मेरे को बैटिंग लाइन में आ रहा है 2 नंबर, 8 नंबर और 4 नंबर। 2 नंबर पे सूरज बैठा हुआ है और ट्रैक भी अच्छा है, तो मेरे हिसाब से 2 नंबर को आप ईच वे कीजिए। और 8 नंबर है जो पीट और बैठा हुआ है, तो आप इसको भी ईच वे करिए, दोनों बोर्ड में तो रहने चाहिए। और एक जो निकल के आ रहा है 4 नंबर, ये थोड़ा अक्षय कुमार बैठा हुआ है, फ्लूक रहेगा, तो इसको प्लेस कीजिए। आते दोस्तों फोर्थ रेस में दोस्तों मेरी बैटिंग लाइन में 3 घोड़े निकल के आ रहे हैं, 3, 5 और 13। उसमें से आप 3 मकरम अफरोज खान को ईच वे कीजिए और 5 नंबर जी नरेश, ट्रैक वर्क अच्छा है, तो इसको भी ईच वे करिए और 13 नंबर को प्लेस कीजिए, कुलदीप सिंह, ठीक है दोस्तों। आते हैं फिफ्थ रेस पे। फिफ्थ रेस में दोस्तों मेरे बैटिंग लाइन में 3 घोड़े निकल के आ रहे हैं, 2, 8 और 14। तो 2 में संदेश बैठा हुआ है, तो इसको ईच वे कीजिए। और 8 नंबर पीट रॉवर है, लेकिन ट्रैक वर्क तो 2 नंबर का अच्छा आ रहा है, ट्रॉवर से अच्छा तो संदेश का घोड़े का ट्रैक वर्क अच्छा आ रहा है, तो मैं आपको 2 नंबर ईच वे करने के लिए बोलूँगा। और 8 नंबर प्लेस, और एक घोड़ा निकल के आ रहा है 14 नंबर सनराइज, असद 10 पर बैठा हुआ है, शायद फ्लूक रह सकता है, तो 14 नंबर को आप प्लेस कीजिए। आते हैं दोस्तों छठी रेस पे। छठी रेस दोस्तों मेरी बैटिंग लाइन में आ रहे हैं 2, 6, 3। इसमें से 2 नंबर पे सूरज बैठा हुआ है और मॉक रेस में सेकंड हुआ था, तो मेरे हिसाब से सूरज को आप ईच वे करिए। और 6 नंबर जो पीट रॉवर का घोड़ा है, और ट्रैक वर्क में 2 साल का बच्चा 73 रेटिंग को मार रहा है, तो मेरे हिसाब से ये भी बोर्ड में रहना चाहिए। 2 और 6 को ईच वे कीजिए और 3 नंबर प्लेस कीजिए, ठीक है दोस्तों, जर्वन को प्लेस कीजिए। अभी आते हैं दोस्तों सातवीं रेस पे। सातवीं रेस में दोस्तों मेरे बैटिंग लाइन में आ रहे 8, 9, 10, 8, 9, 10, ठीक है दोस्तों। तो आप 8 नंबर पे कौन बैठा है, एक सेकेंड, ये संदेश बैठा हुआ है और इसका ट्रैक वर्क सब घोड़ों में से अच्छा है, इसका ट्रैक वर्क दिख रहा है, तो मेरे को हिसाब से 8 नंबर को आप ईच वे कीजिए। और एक 10 नंबर है जिसमें मॉक रेस में विन हुआ था, सूरज बैठ के विन किया था उसको, तो मेरे हिसाब से ये भी बोर्ड में रहना चाहिए। सूरज को और
संदेश को दोनों को इच्वे कीजिए और 9 नंबर आर एन दर्शन ट्रैक वर्क अच्छा आ रहा है तो मेरे हिसाब से इसको प्लेस कीजिए। ठीक है दोस्तों, आते हैं 8वीं रेस पे। 8वीं रेस दिन की लास्ट रेस है, इसमें भी 18 घोड़े भाग रहे हैं। तो इसमें मेरे बैटिंग लाइन में तो 5-6 घोड़े आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उन 5-6 में से 3 बेस्ट निकाले हैं। वो नंबर है 6 नंबर, 11 नंबर और 14 नंबर। 6 नंबर में असद 10 पर बैठा हुआ है, तो इसको ईचवे कीजिए, अच्छा जॉकी है। और 11 नंबर जरवन है, इसका भी ट्रैक वर्क अच्छा आ रहा है। 3 साल का बच्चा 56 रेटिंग के घोड़े को टक्कर दे रहा है, तो मेरे हिसाब से ये भी बोर्ड में रहना चाहिए। और 14 नंबर अरिजीत सिंह, इसको आप प्लेस कीजिए। ठीक है दोस्तों, फ्लूक रहेगा। ये तो हो गई हैदराबाद की टिप, और हर रेस में मैं बोलता ही हूँ आपको, कम खेलिए, सेफ रहिए। मेरी स्टडी करने के बाद खुद की अपनी स्टडी करके बैटिंग कीजिए। ठीक है दोस्तों, और एक बात दोस्तों, किसी ने कमेंट किया था, गाली देके कमेंट किया था मेरे को कि तू मतलब ये है सी है करके, सी का मतलब आप समझ जाओगे। लास्ट बेंगलोर की रेस में बोला था मेरे को 5 में 2 खेल और 6 में 2 खूब खेल। तो मैं भाई उस दोस्त को बताना चाहूँगा कि भाई तेरी मैंने ऐसे नहीं, मैंने तेरा हाथ पकड़ के नहीं बोला कि तू रेस खेल। मैं बोल रहा हूँ हर रेस में मैं निकालता हूँ, उसमें से आपकी खुद की स्टडी करके खुद खेलिए, तो भाई गाली देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अगर तेरे को मेरा चैनल पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, तू मत देख मेरा चैनल, अपनी स्टडी करके खेल। मैं तो ना तेरे को बोल रहा हूँ ज़बरदस्ती कि तू मेरी टिप देख के ही खेल। मैं तो हर रेस में बोलता ही हूँ आपको कि स्टडी, खुद की स्टडी करके खेलो। मेरी तो मैंने स्टडी की है, उसमें से मेरी टिप तो पास हो रही है ना। ठीक है दोस्तों, तो मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरे चैनल पे लेडीज़ भी जुड़ी हुई है, तो मैं गाली दे के बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को मेरी इज्जत प्यारी है। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ करना। मिलते हैं नेक्स्ट चेन्नई की रेस में, कल डाल दूँगा चेन्नई की रेस, रात को 11-12 बजे आ जाएगा आपको नोटिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट।